हाय माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हाइडर डेडी फॉर्म मोल के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। इन ऑब्स्टेट्रिक्स देर आर टू काइंड्स ऑफ टॉपिक्स। एक होता है ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी और एक होता है ब्लीडिंग इन लेट प्रेगनेंसी। सो ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी में जो रीजंस होते हैं वो हो सकता है या तो अबॉर्शंस या एक्टॉपिक प्रेगनेंसी या फिर हाइड्रेटेडी फॉर्म मोल। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। हाइड्रेटेडी फॉर्म मोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेसिक्युलर मोल। सो द डेफिनेशन इज लाइक दिस। इट इज एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्लासेंटा वेयर देर इज पार्टली डिजेनरेटिव एंड पार्टली प्रोलाइफरेटिव चेंजेस इन यंग कोरियोनिक वेलाय। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर ऑफ स्मॉल सिस्ट ऑफ वेरियंग साइजेस। इट इज़ अ टाइप ऑफ बिनाइन नियोप्लेजिया विथ मैलिग्नेंट पोटेंशियल। सो मैंने जो फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा के बारे में जो वीडियो बनाया था उसमें ऑलरेडी मैंने बताया था कि ये एक फेस होता है प्रेगनेंसी में जिसमें कि ब्लास्टोसिस्ट होता है, और ये ब्लास्टोसिस्ट के टू पार्ट्स होते हैं। जो बाहर का जो सेल का लेयर होता है उसे ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और जो अंदर में क्लम्प होता है सेल्स उसको इनर सेल मास बोलते हैं। सो इनर सेल मास से फीटस फॉर्म होता है, ट्रोफोब्लास्ट से प्लासेंटा फॉर्म होता है। सो इन दिस कंडीशन व्हाट इज हैपनिंग इज देयर इज समथिंग गोज रॉन्ग इन द ग्रोथ ऑफ दिस ट्रोफोब्लास्ट, और उस वजह से वहाँ पे डीजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं और वो प्रोलाइफरेट होने लगता है, जिसकी वजह से जो यूट्रस है उसके अंदर में ना प्लासेंटा फॉर्म होता है ना फीटस, बट वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं विच इज़ फ्लूइड फिल्ड सिस्ट, और उससे यूट्रस जो है वो कम्प्लीटली फिलअप होने लगता है। एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज़। एज आई ऑलरेडी मैंशन कि ट्रोफोब्लास्ट से फॉर्म हो रहा है, सो जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज़ में और भी बहुत सारे कंडीशंस आते हैं, उसमें से एक कंडीशन जो होता है वो हाइड्रेटेडी फॉर्म मोल होता है जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं। इट इज़ ए प्रोलाइफरेटिव एबनॉर्मलिटी ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। यहाँ पे एक और सेंटेंस मैंने मेंशन किया है, इट इज़ अ टाइप ऑफ बिनाइन नियोप्लेसिया विथ मैलिग्नेंट पोटेंशियल। सो यहाँ पर जो ग्रोथ हो रहा है वो बिनाइन होता है बट इट हैज़ मैलिग्नेंट पोटेंशियल। मीन्स अगर हमने पेशेंट को प्रॉपर फॉलोअप नहीं किया और उसे प्रॉपरली इवैक्यूएट नहीं किया, सो दैट कैन टर्न इनटू मैलिग्नेंसी। सो हियर इन दिस टॉपिक देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ द फॉलोअप ऑफ द पेशेंट आफ्टर द मैनेजमेंट। सो बिफोर वी गो फर्दर लेट मी शो द पिक्चर, हाउ डज इट लुक। सो यू कैन सी दैट यूट्रस इज फिल्ड अप विथ वेजाइकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। दीज आर द सिस्ट और वेजाइकल्स विच आर फिल्ड अप विथ लॉट ऑफ फ्लूइड। सो यूट्रस में इस प्रकार का कुछ ग्रोथ होता है। देयर इज अनदर पिक्चर विच आई कैन शो। ये एक पिक्चर है जिसमें कि जो है हाइड्रेटेडी फॉर्म मोल जो है वो इट इज़ कमिंग आउट। अनदर पिक्चर ऑफ हाइड्रेटेडी फॉर्म मोल यू कैन सी, इट लुक समथिंग लाइक दिस। सो लेट्स गो फर्दर इन द टॉपिक। तो आगे हम देखेंगे कि व्हाट आर द एटियोलॉजी। एज हियर इट इज़ रिटन दैट एटियोलॉजी इज़ अननोन। सो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कुछ केसेस में विच दिस इज़ अननोन टिल नाउ, बट सम ऑफ द रिस्क फैक्टर्स जो कुछ लोगों में जिनमें ये केस ये देखा गया है वो कंडीशंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि इट दिस कंडीशन इज़ प्रिवेलेंट इन टीनेज प्रेगनेंसी और वुमेन अबव 35 ईयर्स। सो अर्ली यंग एज में या लेट एज में होने वाली प्रेगनेंसी में ये होने के चांसेस होते हैं। इट इज़ प्रिवेलेंट इन सम रेजेस एंड एथनिक ओरिजिन, लाइक इट इज़ सीन मोर इन फिलिपिनो चाइनीज एंड इंडोनेशियन एंड जापानीज पीपल, बट इट इज़ सीन इन लेस। It is seen less in USA and Europe. So depending on different races, it can be more or less. Then it may be also due to faulty nutrition, जैसे less protein या animal fat या carotene consume किया जा रहा है, तो that can result in the this condition. Disturbed maternal immune mechanism, कुछ women में because of their weak immunity also this may happen. Then this is also seen in AB blood group. As you know that in AB blood group there are A and B antigens and there are no antibodies present. So that is the reason that it is seen in this women with this group. Then cytogenetic abnormality, ये कुछ chromosomal anomaly की वजह से भी हो सकता है। Then if a woman has history of prior hydrated form mold, so उनके subsequent
सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में भी ये होने के चांसेस रहते हैं. सो नेक्स्ट वी विल सी द क्लिनिकल फीचर्स. वुमेन हु आर यूजुअली टीनेज और एल्डरली, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है पहले भी. देन पेशेंट कम्स विथ हिस्ट्री ऑफ 8 to 12 वीक्स ऑफ एमेनोरिया. एज आई टोल्ड कि ये अर्ली प्रेगनेंसी में पेशेंट में होने वाली प्रॉब्लम है. सो यूजुअली जब पेशेंट आती है तो अर्ली प्रेगनेंसी में रहती है, जो भी उसका जो कंप्लेन लेकर आती है तो वो 8 to 12 वीक्स ही प्रेगनेंट रहती है. अराउंड दैट टाइम इट इज़ मोस्टली डायग्नोज. इट मे बी डायग्नोज लेट ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट इज़ एन अर्ली प्रेगनेंसी. देन इसमें जो सबसे कॉमन जो सिम्टम लेके पेशेंट अपने पास आती है वो होता है पेशेंट कम्स विथ कंप्लेन ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग विच इज़ सजेस्टिव ऑफ इनकम्प्लीट और थ्रेटेंड अबॉर्शन. पेशेंट जो सिम्टम्स आती है उसे हमें ऐसा लगता है कि वो पेशेंट जो है अबॉर्ट हो रही है. देन वो जो उसका जो सिक्रेशंस है दैट विल बी लाइक उसमें ब्लड रहता है, और वो जो मैंने अभी वजाइकल्स बताया था वजाइकल्स के अंदर का फ्लूइड भी रहता है, वो मिक्स रहता है. सो दिस इज़ डिस्क्राइब लाइक ब्लड लुक्स लाइक ए वाइट क्यूरेंट एंड रेड क्यूरेंट जूस. तो इस प्रकार का कुछ जो सिक्रेशंस या लीकिंग के साथ पेशेंट आएगी. पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन. पेशेंट ऑल्सो कंप्लेन ऑफ लोअर एबडोमिन पेन, और इट मे बी ड्यू टू दीज रीजन्स लाइक या तो पेशेंट का जो यूट्रस है वो स्ट्रेच हो रहा है बहुत ज़्यादा इसलिए उसे पेन हो रहा है, या इट मे बी बिकॉज ऑफ कंसील्ड हेमरेज, और इट मे बी बिकॉज ऑफ परफोरेशन ऑफ यूट्रस और इन्फेक्शन ऑफ इन्फेक्शन, और इट कैन बी ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. एज आई शोड वन पिक्चर जिसमें पेशेंट इज ऑलरेडी देर इज वेजिकुलर मोल इज़ कमिंग आउट. तो पेशेंट कई बार जब आती है तो ऑलरेडी वो उसको कॉन्ट्रैक्शंस आता रहता है, और बिकॉज ऑफ दैट पेशेंट में भी हैविंग पेन. देन अदर सिम्टम्स आर लाइक पेशेंट बिकम सिक विदाउट एनी अपेरेंट रीजन. ये जो पेशेंट रहती है उसमें एक्सटर्नली यू फील दैट पेशेंट इज़ लुकिंग फाइन, बट वाई शी इज़ फीलिंग सो सिक. बट पेशेंट इज़ हैविंग बहुत ही ज़्यादा पेशेंट सिक और इल दिखाई देती है, और देर इज़ लॉट ऑफ वॉमिटिंग. इसमें जो पेशेंट्स में जो कई जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स रहते हैं ना वो ज़्यादा दिखाई देते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग ज़्यादा रहेगा, प्रेगनेंसी जो साइज रहेगा एब्डोमिन का वो सब ज़्यादा रहेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. देन शी मे ऑल्सो हैव ब्रेथलेसनेस ड्यू टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और फिर थायरोटॉक्सिक फीचर्स हो सकते हैं पेशेंट में जैसे ट्रेमर्स, टैकीकार्डिया बिकॉज ऑफ रेस्ड कोरियोनिक थायरोट्रोफिन. Then sometimes patient, when you do PV, you may find expulsion of grape-like vesicles. जो picture मैंने आपको बताया था PV में, वो हो सकता है कि patient को grape-like vesicles भी हमें दिखाई दे, expel होता हुआ. Then there is no history of quickening, because वहाँ पर कोई fetus form नहीं हुआ है, there is no quickening and fetal movement felt by the mother. Some of the signs are features of pregnancy are evident. मतलब पेशेंट में सिम्टम्स दिखाई देते हैं प्रेगनेंसी के. पेशेंट लुक्स वेरी इल, जो मैंने पहले भी बताया, और देर इज़ पैलर, टू मच ऑफ पैलर, एंड प्री एक्लेम्शिया फीचर्स आर. कई बार पेशेंट में प्री एक्लेम्शिया के फीचर्स रहते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा एविडेंट रहते हैं. देन ऑन पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन यू फाइंड दैट द साइज ऑफ यूट्रस इज़ मोर दैन पीरियड ऑफ जेस्ट्रेशन. मैंने ये भी मैंशन किया था कि इन पेशेंट्स में जो फंडल हाइट है वो मोर दैन पीरियड ऑफ जेस्ट्रेशन होगा. जैसे कि अगर वो सिर्फ 12 वीक्स प्रेगनेंट है बट हम जब फंडल हाइट लेंगे तो वो जो है इट मे बी इक्वल टू 15 or 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. द फील ऑफ यूट्रस इज फर्म, इलास्टिक, डोई, बिकॉज देर इज नो फीटस नो एमनियोटिक फ्लूइड. सो जब हम यूट्रस को फील करेंगे तो हमें कुछ भी पार्ट्स फील नहीं होगा, फिटल पार्ट्स फील नहीं होगा, फ्लूइड फील नहीं होगा. ओके, देर इज़ नो FHS हर्ट. जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे तो हमें कोई भी FHS सुनाई नहीं देगा बिकॉज देर इज नो फीटस प्रेजेंट. देन ऑन वजाइनल एग्जामिनेशन इंटरनल बैलॉटमेंट जो है वो निगेटिव रहेगा. यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एनलार्जमेंट ऑफ ओवरी हो सकता है, और कई बार वेजाइकल्स में भी फाउंड इन वजाइनल एग्जामिनेशन. अगर ऑस डायलेट हुआ होगा तो उसमें से ब्लड क्लॉट और वेजाइकल्स फील होगा इंस्टेड ऑफ मेम्ब्रेन्स.
देन इन्वेस्टिगेशंस में दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस विच मे बी डन लाइक सीबीसी हम करेंगे क्योंकि हमें पेशेंट का ब्लड काउंट चाहिए प्लस स्पेशली हेमोग्लोबिन चाहिए क्योंकि पेशेंट ब्लीडिंग की हिस्ट्री से आती है. देन एबीयू एंड आरएच टाइपिंग करना है क्योंकि हमें पेशेंट आरएच नेगेटिव है कि ये पता होना चाहिए क्योंकि आरएच नेगेटिव है तो हमें उसे एंटी डी देना पड़ेगा. एलएफटी केएफटी थायराइड प्रोफाइल बिकॉज पेशेंट मे बी हैविंग प्री एक्लेम्शिया एंड ऑल्सो ट्रेमर्स एंड ऑल दैट सो वी नीड टू डू दिस. देन यूएसजी में स्नो स्टॉर्म अपियरेंस करके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. व्हेन वी सी यूएसजी जो जैसे कि स्नो की जो आंधी चलती है तो वाइट कैसा दिखाई देता है उस प्रकार का यूएसजी में शेडो दिखाई देगा. ये एग्जाम में भी कई बार पूछा जा सकता है कि स्नो स्टॉर्म अपियरेंस इज सीन इन विच कंडीशन इन यूएसजी. सो यू शुड रिमेंबर हियर आई हैव ब्रॉट द पिक्चर ऑफ द सोनोग्राफी ऑफ दिस पेशेंट. यू कैन सी हियर इस प्रकार का कुछ पिक्चर नज़र आएगा आपको जिसमें कि पूरा वाइट स्टॉर्म जैसा पिक्चर है. देर इज़ नो फीटस और एनीथिंग सीन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड बट कुछ इस तरह का पिक्चर दिखाई देगा यूएसजी में विच इज डिस्क्राइब्ड एज स्नो स्टॉर्म अपियरेंस. देन पेशेंट का हम एचसीजी भी चेक करेंगे विच इज़ यूजली राइजिंग वेरी फास्ट और इट मे बी मोर देन 100,000 इंटरनेशनल यूनिट पर ml. एक्सरे एब्डोमेन अगर किया जाएगा तो उसमें निगेटिव फीटल शेडो होगा. एक्सरे चेस्ट में भी डन टू रूल आउट एनी पल्मरी एम्बोलाइजेशन और मेटास्टेसिस. सीटी एंड एमआरआई में नॉट बी मच रिक्वायर्ड. देन डेफिनेटिव डायग्नोसिस जो है इस कंडीशन का वो होगा आफ्टर द हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. आफ्टर द प्रोडक्ट इज इवैक्यूएटेड वी हैव टू सेंड इट फॉर हिस्टोपैथ जिसमें से ये कन्फर्म होगा कि दिस इज अ केस ऑफ हाइड्रेटेडिफॉर्म मोल. नाउ लेट्स सी द कॉम्प्लिकेशंस क्विकली. इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन ये सब हो सकते हैं हेमरेज सेप्सिस परफोरेशन ऑफ यूट्रस प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया एक्यूट पल्मरी इनसफिशियंसी इन कोएगुलेशन फेलियर. और लेट कॉम्प्लिकेशन में कोरियोकार्सिनोमा जिसका कि मैंने ऑलरेडी पहले बताया कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर विच मे डेवलप एंड सो देर इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पेशेंट इज फॉलोड अप आफ्टर द प्रोसीजर. नाउ लेट्स सी द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम देखते हैं. इसमें हमारे को जैसे ही पता चलता है कि पेशेंट हाइड्रेटेडिफॉर्म मोल की केस है हमें जल्द से जल्द उसे सक्शन इवैक्यूएशन के द्वारा उसका एब्डोमेन उसका यूट्रस एम्प्टी करना है. देन शी वी हैव टू गिव हर सपोर्टिव थेरेपी अकॉर्डिंग टू हर कंडीशन बिकॉज शी मे बी हैविंग एनीमिया और इन्फेक्शन. देन काउंसिलिंग फॉर रेगुलर फॉलोअप दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट शी इज़ काउंसल्ड फॉर रेगुलर फॉलोअप. नाउ फॉर मैनेजमेंट पेशेंट इज़ डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. ग्रुप ए मतलब जो पेशेंट आई है वो ऑलरेडी शी इज़ हैविंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द मोल इज़ इन प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन. और ग्रुप बी में वो पेशेंट है जो जस्ट रेगुलर चेकअप के लिए आई थी एंड देन बाय ऑन एग्जामिनेशन वी फाउंड एंड वी डाउटेड एंड वी इन्वेस्टिगेटेड एंड वी फाउंड दैट शी इज़ हैविंग हाइड्रेटेडिफॉर्म मोल. हर यूट्रस इज़ नॉट हैविंग एनी कॉन्ट्रैक्शन देर इज़ नो एबॉर्शन का जो प्रोसेस है वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है. सो यूट्रस इज़ इनर्ट. सो दोनों का जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट तरीके से होगा. सो बिफोर दैट लेट्स सी सपोर्टिव थेरेपी. हमें सबसे पहले पेशेंट को आईवी लाइन स्टार्ट करना है. टेक आउट ब्लड एंड सेंड फॉर ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग. अरेंज फॉर ब्लड बिकॉज वी मे नीड ब्लड बिकॉज पेशेंट में हैव लॉट ऑफ ब्लीडिंग और शी मे अंडरगो परफोरेशन या कुछ तो हमें उसके लिए ब्लड रेडी रखना है. देन स्टार्ट आईवी आरएल हम यूजली स्टार्ट कर सकते हैं एंड स्टार्ट एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. एज अ पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन हमें उसे प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक स्टार्ट करना है. डेफिनेटिव मैनेजमेंट में हमें यहाँ पे पेशेंट का सक्शन इवैक्यूएशन करना है विच इज़ मोस्ट इफेक्टिव मेथड. इवन इफ 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से भी मतलब 28 वीक्स तक का जेस्टेशन है तो भी सक्शन इवैक्यूएशन से हमें उसका यूट्रस को एम्प्टी करना है. सो मैनेजमेंट इज़ अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स. ग्रुप ए जिसमें कि सर्विक्स फेवरेबल है और यूट्राइन या कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं तो ऐसे में हम सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे या फिर डायलेटेशन इवैक्यूएशन करेंगे या हम डिजिटल एक्सप्लोरेशन एंड रिमूवल ऑफ मोल बाय ओवम फोर्सेप कर सकते हैं. और आफ्टर इवैक्यूएशन हमें पेशेंट को इंजेक्शन मिथार्जिन देना है 0.2 mg IM टू प्रिवेंट PPH.
एंड ग्रुप बी जो है वो पेशेंट है, जैसा कि मैंने बताया, जिसमें कि सर्विक्स ट्यूबुलर है, क्लोज्ड है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है। तो इसमें हम दो तरीके से प्रोसीजर कर सकते हैं। पहला हो सकता है स्लो डायलेटेशन बाय लैमिनेरिया टेंट फॉलोड बाय सक्शन इवैक्यूएशन। व्हाट इज लैमिनेरिया टेंट? ये इसबगोल प्लांट का स्मॉल स्टेम का टुकड़ा होता है जो स्टरलाइज करके अवेलेबल होता है मार्केट में। और इसमें ये जो स्टेम जो होता है इसबगोल का, ये जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके स्वेल अप हो जाता है। सो अगर हमें कल प्रोसीजर करना है, सक्शन इवैक्यूएशन करना है, तो आज रात में पेशेंट को एडमिट करके उसको सर्वाइकल ऑस में लैमिनेरिया टेंट जो इंसर्ट करके रख देते हैं, तो वो सर्वाइकल फ्लूइड को एब्जॉर्ब करके वो स्वेल अप होने लगता है, जिसकी वजह से सर्विक्स जो है वो थोड़ा सा डायलेट हो जाता है। नेक्स्ट डे वी कैन टेक द पेशेंट इन ओटी एंड डू सक्शन इवैक्यूएशन। और हम दूसरा तरीका जो है वो, अगर हमें इसबगोल ये लैमिनेरिया टेंट यूज़ नहीं करना है, तो जो दूसरा तरीका है वो है वी कैन पुट वजाइनल मेसोप्रोस्ट वजाइनली हम पेशेंट को डाल सकते हैं PGE2 400 माइक्रोग्राम 3 आवर्स प्रायर टू सर्जरी एंड देन टेक पेशेंट फॉर सक्शन इवैक्यूएशन। नाउ इंडिकेशन ऑफ हिस्टेक्टमी, कुछ पेशेंट्स में हमें हिस्टेक्टमी करना पड़ सकता है, तो उसका इंडिकेशन कुछ इस प्रकार से है। इफ़ द पेशेंट इज़ मोर देन 35 ईयर्स एज, देन इफ़ द पेशेंट हैज़ कम्प्लीटेड फैमिली इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, और इन दोनों केसेस में जिसमें पेशेंट को और बच्चे नहीं चाहिए, तो ऐसे पेशेंट्स, और अगर कोई पेशेंट का सर्जरी होने के बाद या होने के टाइम पर बहुत ज़्यादा हेमरेज हो रहा है, जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, PPH हो रहा है, तो इन सब केसेस में हमें हिस्टेक्टमी करना पड़ सकता है। जो नेक्स्ट थिंग है वो है इंडिकेशन फॉर हिस्टेरोटोमी। नाउ व्हाट इज़ हिस्टेरोटोमी? जब हम एब्डोमेन में और यूट्रस में इंसिशन देके फीटस को डिलीवर करते हैं, जैसा कि सिजेरियन सेक्शन में होता है, अगर ये प्रोसीजर हम 28 वीक्स के पहले कर रहे हैं, तो उसे सिजेरियन सेक्शन में हिस्टेरोटोमी बोलते हैं। तो हिस्टेरोटोमी का इंडिकेशंस क्या है? अगर पेशेंट को बहुत ही प्रोफ्यूस वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, या सर्विक्स इज़ अनफेवरेबल, हम लोग ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते, और या फिर एक्सीडेंटल परफोरेशन, अंदर ही अंदर वो परफोरेट हो चुका है यूट्रस, तो ऐसे केसेस में हम हिस्टेरोटोमी हमें करना पड़ सकता है। नाउ आफ्टर दिस प्रोसीजर हिस्टेक्टमी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सेंड द यूट्रस फॉर हिस्टोपैथोलॉजी। और अगर RH निगेटिव वुमेन है, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, तो उसमें हमें एंटी डी इंजेक्शन पेशेंट को देना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रेटेडी फॉर्म मूल, बट इस टॉपिक में फॉलो अप ऑफ द पेशेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये पेशेंट को आगे चल के कार्सिनोमा हो सकता है। सो बिकॉज दिस वीडियो इज़ गेटिंग प्रोलॉन्ग्ड, इन 2-3 डेज अगेन आई एम गोइंग टू पोस्ट द फर्दर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ अबाउट द फॉलो अप प्रोटोकॉल ऑफ द पेशेंट विथ हाइड्रेटेडी फॉर्म मूल। सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। Please do watch the second part of the video also. Bye bye.